أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته मैं आपका दोस्त आमिर उदा खान आज फिर से एक बार आपके दरमियान में एक बहुत ही अहम मौजू के साथ आपके दरमियान में आया हूँ। जैसे कि आप तमाम जानते हैं, कल से एक फ़ोटो सोशल मीडिया पर वायरल चल रही है जो कि तेलंगाना स्टेट सिलेबस इंग्लिश मीडियम का सोशल स्टडीज़ में, सोशल स्टडीज़ की वर्कबुक में 11th चैप्टर के अंदर जो है नेशनल मूवमेंट द लास्ट फेज 1919 से लेकर 1947, जिसके चैप्टर में एक बेइंतहा शर्मनाक हरकत इस बुक के पब्लिशर रियल लाइफ की जानिब से की गई है, जिसमें एक टेररिस्ट की फोटो को शाया किया गया है, प्रिंट किया गया है, जिसके हाथ में कुरान मजीद है और एक तरफ दूसरे हाथ में गन है। तो ये नाकाबिले बर्दाश्त हरकत रियल पब्लिशर की जानिब से की गई है और इसके ऊपर तेलंगाना एजुकेशन डिपार्टमेंट की खामोशी ये जाहिर करती है कि इन लोगों के अंदर मुसलमानों के लिए कितना जहर है। हम इस वीडियो के ज़रिए जो है तेलंगाना हुकूमत से गुजारिश करते हैं और मुतालबा करते हैं कि आप इस पब्लिशर को जो है फ़ौरन बैन करें, अगली बार इसकी बुक को शाया होने ना दें, क्योंकि इसकी इन हरकतों की वजह से जो है हिंदुस्तान का, बिलखसूस हमारे अमन के शहर हैदराबाद का माहौल ख़राब होने के अंदेशे हैं, क्योंकि ऐसी हरकतें हम बिल्कुल जो है बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। कुरान मजीद जो है दीन इस्लाम जो है अमन का पैगाम देता है, लोगों को बुराई से रोकता है और अच्छाई की तरफ बुलाता है, लेकिन इसकी हरकत से ये जाहिर होता है, ये बात समझाना चाहता है, ये बात कहना चाहता है फोटो को प्रिंट कर कि कुरान मजीद नऊज़ बिल्लाह आतंकवाद की तालीम देता है। ऐसा जो है इसके फोटो के जरिए बताना चाहता है, जो कि हम इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगर एक हफ्ते के अंदर तेलंगाना एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से इसके ऊपर अगर एक्शन नहीं लिया जाएगा और इसके अंदर किस से नाकामी हुई है, किस से कोताही हुई है, अगर उनके ऊपर एक्शन नहीं लिया जाएगा तो यकीन मानिए हैदराबाद के उलमाए इकराम की क़यादत में, हैदराबाद के उलमाए इकराम की मौजूदगी में हम हैदराबाद के नौजवान हैदराबाद की सड़कों पर उतरेंगे और उसके खिलाफ एहतजाज करेंगे। मैं आप तमाम से गुजारिश करता हूं कि जहां तक मेरी आवाज़ जा रही है, आप तमाम जो है अपने हलकों के एरिया पीएस में जाकर इस पब्लिशर के खिलाफ, इस बुक के खिलाफ जो है आप अपने एरिया पीएस में कंप्लेन दें। इंशाअल्लाह ताला हम भी जो है मंडे या ट्यूसडे के दिन एक आरटीआई फाइल करेंगे और हैदराबाद के कमिश्नर ऑफ पुलिस से हम उलमा इकराम की क़यादत में जो है जाकर इंशाअल्लाह ताला मुलाकात करेंगे। हम कोशिश कर रहे हैं कि सबिता इंद्रारेड्डी साहिबा से मुलाकात करें और उनके सामने इन हरकतों को रखें और उनसे मुतालबा करेंगे कि आप जल्द से जल्द जो है इस पब्लिशर को बैन करें और इसके जितने बुक्स भी अब तक प्रिंट हुए उसकी भी तहकीकात करें, कहाँ कहाँ उसने ऐसी हरकतें की है, और उसको बैन करें। इसकी जगह जो है दूसरी अगर कोई बुक्स है तो उसका इस्तेमाल जो है स्कूलों में करें। मैं अपने इस वीडियो के जरिए जो है तमाम स्कूल्स वालों से गुजारिश करता हूँ कि आप अगर इस बुक को जो है अपने स्कूल में इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसका नाम है रियल लाइफ बियॉन्ड टेक्स्ट बुक, अगर आप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो फौरन इसका इस्तेमाल बंद करें, क्योंकि इससे जो है हैदराबाद का माहौल ख़राब होने का अंदेशा है। हिंदू मुसलमान के जहनों को ख़राब करने के लिए इस बुक का जो है बनाया गया है। मैं इस वीडियो के जरिए जो है मेरा एहतजाज दर्ज करता हूँ और इस वीडियो के जरिए जो है हम सख्त मजम्मत करते हैं इसी हरकतों की। हम बिल्कुल भी जो है शहर हैदराबाद को और जो है हमारी रियासत तेलंगाना को जो है उत्तर प्रदेश बनने नहीं देंगे, बिहार बनने नहीं देंगे। इंशाअल्लाह ताला अमन का शहर, अमन की रियासत थी और रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। शुक्रिया।